तो प्रीवियसली हम डिस्कस कर रहे थे डेटा कम्युनिकेशन मोड्स। ओके, तो उसमें हमने कर रहे थे, और प्रीवियसली जो हम बात कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में, वो हमने डिस्कस किया था सीरियल एंड पैरेलल कम्युनिकेशन, जो कि था टाइप्स में, कम्युनिकेशन टाइप्स में। तो अब हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल एंड ऑन कॉन्टेक्स्ट, मतलब कि चैनल पर बेस्ड कम्युनिकेशन और कॉन्टेक्स्ट पर बेस्ड कम्युनिकेशन, इसकी हम बात करेंगे। तो हम आते हैं अपने पॉइंट पर कि जो कम्युनिकेशन है वो बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल, वो तीन टाइप से हो सकता है हमारा कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन द कम्युनिकेशन चैनल, जो कि है सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। ओके, तो इन तीन टाइप को बारी बारी से भी डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखो जो फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट कैटेगरी है, वो है सिंप्लेक्स। तो सिंप्लेक्स मींस कि हमारा वन वे कम्युनिकेशन, इसपे ओके। तो एक बार में एक ही पार्टी ट्रांसमिट, मतलब केवल एक ही पार्टी ट्रांसमिट करेगी या कम्युनिकेट करेगी, जैसे सिंप्लेक्स मोड में का एग्जांपल है रेडियो कम्युनिकेशन, टीवी ब्रॉडकास्ट, जिसमें रेडियो स्टेशन ही रिले करता है और सुनने वाला कम्युनिकेट नहीं करता है। इसी तरह टीवी में कि जो भी कम्युनिकेशन आ रहा है, जो भी डेटा आ रहा है रिसीवर के पास, वो सिंपली रिसीव करेगा और हमेशा एक ही पर्सन कम्युनिकेट करेगा। तो ये वन डायरेक्शन यानी वन वे कम्युनिकेशन है, और इसमें कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं होता है। एक्नॉलेजमेंट से मतलब है कि ऐसा कोई आता सेंडर के पास रिसीवर की तरफ से ऐसा कोई मैसेज या एक्नॉलेजमेंट नहीं आता है कि रिसीवर ने उसको रिसीव कर लिया है। सेंडर क्या है, सिंपली कम्युनिकेट करता रहेगा, अपना डेटा ट्रांसमिट करता रहेगा और रिसीवर रिसीव करता रहेगा। अब रिसीवर कितने भी हो सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं। तो जब ट्रांसमीटर के पास या सेंडर के पास कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आता है, तो उसका मतलब उसके पास कोई इसका भी इंफॉर्मेशन नहीं है एरर के रिगार्डिंग, कि कोई रिसीव कर पा रहा है, सिग्नल किसी के पास पहुंच रहे हैं या नहीं। दूसरा है हाफ डुप्लेक्स। इसमें क्या है कि दोनों कम्युनिकेटिंग पार्टीज कम्युनिकेट करती हैं, सेंडर एंड रिसीवर, सेंडर भी सेंड करेगा और रिसीवर भी सेंड कर सकता है। जब रिसीवर सेंड करेगा तो उस टाइम रिसीवर का रोल होगा ये सेंडर, और जो अभी सेंड कर रहा था वो उसका रोल हो जाएगा रिसीवर, मतलब रोल रिवर्स हो जाएंगे। तो इसमें क्या है कि दोनों पार्टी कम्युनिकेट तो करती हैं, टू वे कम्युनिकेशन है, लेकिन एक बार में एक ही पार्टी ट्रांसफर करेगी। जैसे तुम देखा होगा वॉकी टॉकी है,
या इन्वेंट्री डेटा है वेयरहाउस से, या हमारा जैसे वायरलेस सेट है कि जिसमें जो मतलब इस तरह का कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसमें एट ए टाइम एक ही पार्टी कम्युनिकेट करेगी, अगर वो दूसरी पार्टी कम्युनिकेट करना चाहे तो वो नहीं कर पाएगी, कुछ अरेंजमेंट के साथ फिर वो दूसरी पार्टी कम्युनिकेट करती है। जैसे हम मोबाइल फोन में बात करते हैं तो वो तो हम दोनों लोग एक साथ बात कर सकते हैं, वो भी बोल सकता है, हम भी बोल सकते हैं, तो ये तो हमारा फुल डुप्लेक्स है मोबाइल टेलीफोन कम्युनिकेशन। ठीक, और फुल डुप्लेक्स की हम बात करते हैं तो उसमें क्या है कि सेंडर और रिसीवर दोनों एक साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, मतलब एक साथ टू वे कम्युनिकेशन, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, मैं जूम लेक्चर ले रहा हूँ तो मैं जैसे जूम लेक्चर ले रहा हूँ तो इसमें भी यही है कि दोनों लोग मतलब टीचर एज वेल एज द लिसनर्स बोथ कैन कम्युनिकेट साइमल्टेनियसली। तो इस ये क्या है जो फुल डुप्लेक्स मोड है या फुल डुप्लेक्स मोड कम्युनिकेशन है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शन प्रोवाइड करता है और बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब इनके बीच हम कंपेरिजन्स कर सकते हैं तीनों के बीच, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स के बीच। तो इसमें क्या है कि हम 5-6 पॉइंट लेते हैं और डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट के बेसिस पर तीनों में कंपैरिजन करेंगे। पहला है हमारा डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज। तो सिंप्लेक्स में मैंने जैसे बताया कि केवल एक ही डायरेक्शन में हमेशा होता है, हाफ डुप्लेक्स में बाई डायरेक्शनल होता है लेकिन एट ए टाइम एक ही बार एक ही साइड में होगा। ठीक है, और फुल डुप्लेक्स में जो है वो बाई डायरेक्शनल है एक साथ, जैसे एग्जाम्पल है वीडियो कॉन्फ्रेंस मोबाइल कॉल। अब दूसरा एक्नॉलेजमेंट की बात करते हैं, तो सिंप्लेक्स में एज यू टोल्ड कि पॉसिबल नहीं है, हाफ डुप्लेक्स में पॉसिबल है लेकिन स्लो है। स्लो इन द सेंस कि सेंडर ने पहले मैसेज सेंड किया, रिसीवर ने उसको रिसीव किया, अब रिसीविंग का एक्नॉलेजमेंट वो सेंडर को भेजेगा तो अरेंजमेंट करके, अब वो जो रिसीवर है वो सेंडर बनेगा, सेंडर रिसीवर बनेगा, तो अरेंजमेंट करके अब एक्नॉलेजमेंट भेजा जाएगा, फिर एक्नॉलेजमेंट पहुंच गया तो मतलब इस अरेंजमेंट में थोड़ा टाइम लगेगा। और फुल डुप्लेक्स में तो हमेशा पॉसिबल है, जैसे हमने सपोज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो लेक्चर या व्हाट्सएप की बात करते हैं तो भी वी विल बी एबल टू सी के हमने जो सेंड किया वो रिसीवर के पास पहुंच गया या नहीं पहुंच गया। ठीक है, चौथा पॉइंट है कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन। तो जो सिंप्लेक्स है वो चीपेस्ट है क्योंकि उसमें अरेंजमेंट कुछ नहीं है, हमें केवल रिसीविंग डिवाइस या सेट लेके रखना होता है। जैसे रेडियो है, अगर हम 100-200 रुपए का रेडियो परचेज कर लें वी विल बी एबल टू रिसीव द कम्युनिकेशन। यही टीवी में है कि अगर हम सस्ता टीवी खरीदना चाहें तो 3-4 हज़ार का सिंप्लेक्स हमारे पास अरेंजमेंट होना चाहिए, स्क्रीन और डिवाइस। और फुल डुप्लेक्स है तो वो कॉस्टलीस्ट है। अब इसमें नंबर ऑफ वायर रिक्वायर्ड की बात करते हैं, पॉइंट उल्टे पड़े हुए हैं, मैं सीधा कर नंबर और ये चार नंबर, नंबर ऑफ वायर्स रिक्वायर्ड। तो सिंप्लेक्स में 2 वायर रिक्वायर्ड होते हैं, हाफ डुप्लेक्स में भी 2 होते हैं लेकिन फुल डुप्लेक्स में 4 होते हैं, जो कम्युनिकेशन लाइन्स हैं बेसिकली। ठीक है, वायर से मतलब हमारा अगर वो वायरलेस कम्युनिकेशन है तो 4 पाथ विल बी देयर, 4 डिफरेंट पाथ। और अब बात करते हैं एफिशिएंसी की। तो एफिशिएंसी सिंप्लेक्स में लो होती है, हाफ डुप्लेक्स में मीडियम है और फुल डुप्लेक्स में
ये हाईएस्ट एफिशिएंट होता है, हाईली एफिशिएंट फुल डुप्लेक्स। और छठवां पॉइंट है एग्जांपल। तो सिंप्लेक्स का एग्जांपल मैंने बताया था, टीवी और रेडियो ट्रांसमिशन होता है यानी ब्रॉडकास्टिंग, या फिर सिंप्लेक्स का दूसरा एग्जांपल भी है कि डेटा फ्रॉम कीबोर्ड एंड माउस टू द कंप्यूटर। कीबोर्ड से जो हम डेटा भेजते हैं कंप्यूटर में, तो वो एक साइड ही होता है हमेशा, हमेशा कीबोर्ड से ही डेटा कंप्यूटर में जाता है, मॉनिटर से ही डेटा वापस नहीं आता। ये म्यूट कर लो इसको। और हाफ डुप्लेक्स में क्या है कि ये बोथ वे होता है लेकिन एक बार में एक ही तरफ होता है। कंप्यूटर का एक, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था अभी वॉकी टॉक, दूसरा एक कंप्यूटर के अंदर भी एग्जांपल है हमारा कि हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में डेटा दोनों तरफ फ्लो होता है, हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में जाता है, मेन मेमोरी से हार्ड डिस्क में जाता है, लेकिन एक बार में एक ही साइड डेटा पहुंचेगा। और फुल डुप्लेक्स का जो एग्जांपल है वो टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, वीडियो कॉन्फ्रेंस। तो ये हो गया हमारा कंपैरिजन बेस्ड ऑन द डिफरेंट क्राइटेरिया। कभी कभी क्या होता है कि फुल डुप्लेक्स हाफ डुप्लेक्स की तरफ कन्वर्ट हो जाता है, वो इसलिए कि कोई कोई चैनल फुल डुप्लेक्स मोड सपोर्ट नहीं करता है कभी कभी, बिकॉज ऑफ सम रीजन कि डिवाइस इज नॉट कैपेबल इनफ या नेटवर्क नहीं है या कोई और रीजन हो सकता है। तो अगर एक साथ दोनों एंटिटी सेंडर और रिसीवर कैपेबल नहीं है ट्रांसमिट और रिसीव करने के लिए, तब ये जो कम्युनिकेशन सिस्टम हमारा हाफ डुप्लेक्स की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें लास्ट पॉइंट पर आते हैं हमारा कि कम्युनिकेशन डिपेंडिंग ऑन कॉन्टेक्स्ट। ओके, तो कम्युनिकेशन डिपेंडिंग ऑन कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास दो हेड हैं, मतलब दो डिफरेंट टाइप हैं कि या तो इन बैंड होगा या फिर आउट ऑफ बैंड होगा। ठीक है, तो इन बैंड कम्युनिकेशन में क्या है कि वो कम्युनिकेशन जो प्राइमरी चैनल के द्वारा संपन्न होता है। ठीक है, प्राइमरी चैनल से मतलब कि किसी भी कम्युनिकेशन या ट्रांसमिशन में एक से ज्यादा चैनल हो सकते हैं, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। तो जो प्राइमरी चैनल है, ठीक है, वो या फिर दूसरा ऑल्टरनेट चैनल भी हो सकता है। तो आउट ऑफ बैंड कम्युनिकेशन में हम ऑल्टरनेट चैनल की ही बात करते हैं, और ऑल्टरनेट चैनल जो होगा वो प्राइमरी चैनल नहीं कंसीडर किया जाता। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो हम किसी फ्रेंड को कॉल कर रहे हैं जहाँ से 50 किलोमीटर दूर बैठे हुए, तो वो तो हो गया हमारा इन बैंड कम्युनिकेशन। और हो सकता है उसका दूसरा, अगर जो हम मैसेज देना चाह रहे हैं, हम अगर हमारे सपोज करो उसके पास फोन नहीं है रिसीविंग के लिए, तो हम चाहें तो किसी को लिख के भी वो दे सकते हैं और वो वहाँ पर दे सकता है लेटर। जैसे कई बार क्या है कि हम कम्युनिकेशन करते हैं, लेटर को रिसीव करवाते हैं, तो चाहे तो उसको ईमेल से भेज दें या मोबाइल के थ्रू भेज दें, व्हाट्सएप से भेज दें, या फिर डायरेक्ट पर्सनली किसी के हाथ से भेज दें। तो ये आउट ऑफ बैंड कम्युनिकेशन है जो ऑल्टरनेट चैनल के थ्रू अकर होता है। तो प्राइमरी चैनल और ऑल्टरनेट चैनल वो कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है या ऑल्टरनेट चैनल के एग्जिस्टेंस पर डिपेंड करता है। सपोज दो लोगों के बीच कन्वर्सेशन हो रहा है, तो जो प्राइमरी चैनल है वो है वर्बल कम्युनिकेशन, और जो ऑल्टरनेट चैनल है वो बॉडी लैंग्वेज है। जैसे हम कई बार बात करते हैं एक दूसरे से,
तो बॉडी लैंग्वेज अलग अलग हम शरीर की क्रियाओं या आंख ऊपर करना या हंसना या सिर हिलाना, ये जो बॉडी लैंग्वेज है ये भी एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो अगर हम बॉडी लैंग्वेज या इमोशंस की बात करें तो दोनों चैनल का रोल रिवर्स हो सकता है। ठीक है, कभी कभी क्या है, हम बात करने से ज्यादा बॉडी लैंग्वेज, जैसे कभी गुस्से में हों या हंस रहे हों या कुछ है, तो बॉडी लैंग्वेज से भी ऐसे बहुत सारे एक्सप्रेशंस हमारे शो होते हैं, क्योंकि पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। तो अगर वर्बल विजुअल कम्युनिकेशन हमारा नहीं है, तो कई बार बॉडी लैंग्वेज भी प्राइमरी कम्युनिकेशन की तरह, प्राइमरी चैनल की तरह वर्क करता है। ठीक है, अब हम आगे इसमें डिस्कस करते हैं कि बेसमैन और ब्रॉडबैंड, ठीक है, जो तीसरा टाइप है इसमें। तो बेसबैंड और ब्रॉडबैंड में कुछ डिफरेंसेस हैं जो हम स्लाइड्स के थ्रू समझेंगे कि क्या इनमें डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो जो डिजिटल सिग्नल है वो हमारा कंप्लीट बैंडविड्थ यूज करता है चैनल की। अब चैनल अगर वायरलेस मीडिया है, चाहे वो वायर्ड मीडिया है, तो उसकी कंप्लीट बैंडविड्थ को यूज करता है डिजिटल चैनल, जिससे कि वो डिजिटल कम्युनिकेशन सिंगल चैनल की तरह यूज करता है। ठीक है, और जो केबल की जो बैंडविड्थ है, जैसे मैंने पहले बताया था, वो एक्चुअली डिफरेंस है हाईएस्ट और लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी का, जो उस केबल या मीडियम के थ्रू ट्रेवल कर सकती है। ओके, तो यहाँ पे हम कुछ डिफरेंसेस लेते हैं जो इन पॉइंट्स के बेसिस पर हम बेसबैंड और ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन को समझेंगे। ठीक है, तो पहला फीचर है सिग्नल टाइप। तो बेसबैंड पहले कॉलम में है, ब्रॉडबैंड दूसरे कॉलम में है। तो बेसबैंड में क्या है कि जो सिग्नल टाइप है, तो बेसबैंड मेनली हमारा डिजिटल सिग्नलिंग के ऊपर, डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है किसी एक सिंगल फ्रीक्वेंसी पर। जबकि ब्रॉडबैंड चैनल में क्या है कि एनालॉग सिग्नल के लिए यूज होता है एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए। ब्रॉडबैंड बेसबैंड डिजिटल सिग्नल के लिए, क्योंकि तो एक सिंगल फ्रीक्वेंसी के लिए, ब्रॉडबैंड है मल्टीपल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए यूज किया जाता है। दूसरा फ्लो डायरेक्शन है, तो बेसबैंड में क्या है कि फ्लो डायरेक्शन बाई डायरेक्शनल होती है। जैसे लैन केबल है, तो मोस्टली लैन केबल हमारा बेसबैंड यूज करती है, जबकि ब्रॉडबैंड में फ्लो हमारी यूनि डायरेक्शनल है। तो अगर हमें दोनों डायरेक्शन में कम्युनिकेट कराना है तो दो चैनल की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब कि दो सेपरेट केबल, दो सेपरेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है ब्रॉडबैंड। जो ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट की अगर हम बात करें तो उनको कैसे ओवरकम करते हैं, बेसबैंड सिस्टम में क्या है कि जनरली ये डिजिटल सिग्नल द्वारा यूज होता है। तो हमने पढ़ा है कि डिजिटल सिग्नल्स में जो एटेन्यूएशन होता है उसकी, मतलब कि वो डिस्टेंस पे जाने पर सिग्नल वीक होता है, तो हम इसके लिए रिपीटर्स का यूज करते हैं। अगर सिग्नल हमारा एटेन्यूएट होता है तो वी विल यूज द रिपीटर्स बेसबैंड। ब्रॉडबैंड में क्या है, एम्पलीफायर यूज करते हैं सिग्नल की जनरेशन के लिए, अदरवाइज कुछ डिस्टेंस पर जाके सिग्नल हमारा खत्म हो जाता है। चौथा पॉइंट है सिग्नल बिहेवियर। तो बेसबैंड में क्या है, सिग्नल हमारा डिस्क्रीट इलेक्ट्रिसिटी पल्स के फॉर्म में ट्रेवल करता है बेसबैंड, जबकि ब्रॉडबैंड में क्या है कि सिग्नल कंटिन्यूस होता है। बेसबैंड में एक्चुअली क्या है कि डिजिटल सिग्नल यूज होता है इसमें, तो वो तो जानते ही हैं कि हम डिस्क्रीट होता है और इट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, बेसिकली क्या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी और लाइट। और ब्रॉडबैंड में क्या है कि सिग्नल कंटिन्यूस होता है, हमने देखा विद कॉन्स्टेंट एम्पलीट्यूड, और नॉन डिस्क्रीट कंटिन्यूस का मतलब ये नॉन डिस्क्रीट, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या ऑप्टिकल वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है ब्रॉडबैंड।
नेक्स्ट जो है इसका बैंडविड्थ, तो बेस बैंड में क्या है कि पूरा चैनल बैंडविड्थ को यूज करता है एक सिंगल फ्रीक्वेंसी पर, जबकि ब्रॉडबैंड में क्या है कि रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती है, तो मीडिया की जो टोटल बैंडविड्थ है वो फ्रीक्वेंसी में मल्टीपल चैनल्स में डिवाइड होके तब चैनल उस पर कन्वर्सेट होता है। और बैंडविड्थ की अगर हम बात करें तो बैंडविड्थ में क्या है कि जब हम जैसे इसमें ब्रॉडबैंड की बात करते हैं स्लाइड में, तो ब्रॉडबैंड में क्या है कि जो कंप्लीट चैनल है उसमें रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती हैं, जबकि बेसबैंड में सिंगल फ्रीक्वेंसी पर डिजिटल कम्युनिकेशन होता है। तो इसमें बैंडविड्थ में क्या है जो एक साथ बहुत सारे कन्वर्सेशन, मतलब एक साथ बहुत सारे सिग्नल एक सिंगल ट्रांसमिशन मीडिया में ट्रेवल कर सकते हैं, कि रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज की बात हम क्या करते हैं, जबकि बेसबैंड में क्या है कि जो रिक्वायर बैंडविड्थ है ठीक है वो बिट रेट के प्रोपोर्शनल है, क्योंकि इसमें डिजिटल सिग्नल है तो हम बिट रेट की बात करेंगे बेसबैंड में। तो बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड अवर लेक्चर रिगार्डिंग कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल एंड ऑन कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। और साथ ही साथ हमने बेसबैंड और ब्रॉडबैंड मतलब इन बैंड आउट ऑफ बैंड का भी इसमें डिस्कशन किया है। तो नाउ इफ यू वांट टू आस्क सम क्वेश्चन यू कैन आस्क, अदरवाइज आई एम क्लोजिंग द मीटिंग। और नेक्स्ट क्लास हम लोगों की होगी समथिंग 3:30 बजे, ओके। सो बी रेडी फॉर द नेक्स्ट क्लास एट जिसमें हम कम्युनिकेशन मीडिया के बारे में बताएंगे। अगर 3:30 पे नहीं हो पाएगी तो 4 बजे होगी, ओके। तो अभी 3:30 मान के चलो, अदरवाइज 4 बजे होगी। तो मैं इसको मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ।